गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर बोला सीधा हमला, कोरोना पर काबू पाने में हो गए हैं पूरी तरह फेल। गंभीर ने कहा केजरीवाल को दे देना चाहिए इस्तीफा। पूर्व दिल्ली में केमिस्टों की दुकान पर दवाइयों की कमी, कोरोना की दवाइयां नहीं उपलब्ध, पिछले साल से ही दवाइयों की सप्लाई कम, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है मौजूद। जीटीबी अस्पताल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पताल में पहुंचे, ऑक्सीजन की कमी के चलते हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने किया था ट्वीट। गीता कॉलोनी शमशान घाट पर शवों की भरमार, गाजीपुर और कड़कड़ी मोड़ शमशान घाट पर नहीं जाते हैं लोग, कोरोना के डर से नहीं जाते हैं। गीता कॉलोनी शमशान घाट पर नहीं आते हैं कोरोना के शव। और गीता कॉलोनी में गंदे पानी आने से लोग हैं परेशान, लोग गंदे पानी से हो रहे हैं बीमार, शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने राजधानी में कोविड मरीजों के इलाज में मचे हाहाकार को लेकर बहुत चिंता जाहिर की है। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला है। गंभीर ने कहा कि दिल्ली में लोग मर रहे हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। गंभीर ने ट्वीट करके लिखा है कि कोई दृष्टि नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं, दिल्ली मर रही है। अरविंद केजरीवाल, अगर आप में जरा भी शर्म बची है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। गौतम गंभीर दो दिन पहले भी केजरीवाल पर हमला बोल चुके हैं। उनका मानना है कि दिल्ली सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह फेल हो रही है। वैसे केजरीवाल से इस्तीफा मांगने के साथ साथ गौतम गंभीर अपने इलाके की जनता के लिए राहत देने वाली बात कह रहे हैं। गौतम गंभीर इस मुश्किल घड़ी में लोगों को मुफ्त दवाइयां मुहैया करा रहे हैं। इस बार वे लोगों को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली फेविफ्लू दवाई मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। दरअसल लोगों को फेविफ्लू नहीं मिल पा रही है और इसकी कालाबाजारी जोरों पर है। सांसद गौतम गंभीर अपने संसदीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फ्री में फेविफ्लू दवाई मुहैया करा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जागृति इनक्लेव में अपने ऑफिस का पता और दवाई लेने का समय ट्वीट करके बताया है। दवा लेने के लिए आने वाले लोगों को अपना आधार कार्ड, डॉक्टर का लिखा पर्चा साथ लाना होगा। ये दवा उनके कार्यालय दो जागृति इनक्लेव से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी किसी से छुपी नहीं है। फिर चाहे वह दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांग करती रही हो। आपको बता दें बीती रात शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के जीटीबी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी अपने देखी होगी, जिसके चलते हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने ट्वीट भी किया। डॉक्टर के मुताबिक हॉस्पिटल में रात करीब 2:30 बजे ऑक्सीजन पहुंच गई थी। हॉस्पिटल में जो 14 टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, जो कि डॉक्टर्स के मुताबिक अभी 2 से 3 दिन के लिए पूरी पड़ पाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में अधिकतर मरीज ऑक्सीजन पर हैं। डॉक्टर के मुताबिक हॉस्पिटल में इक्वेशन पैनिक होती जा रही है। हॉस्पिटल में अभी पॉजिटिव मरीज की संख्या 520 है। पिछले 5 दिन में हॉस्पिटल का स्टाफ लगभग 150 से ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। ये स्टाफ सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर और नर्स भी हैं। कोरोना के चलते शमशान घाट में शवों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें दहन होने वाले शमशान घाट से लेकर बिना कोविड वाले शमशान घाट पर भी इसका असर पड़ा है। गीता कॉलोनी शमशान घाट पर पहले जहां दिन में 5 से 6 शव आया करते थे, वहां मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अब यहां लगभग रोजाना 20 से 25 तक शव आते हैं। शमशान घाट के अध्यक्ष के मुताबिक ये शमशान घाट कोविड-19 नहीं है, मतलब यहां कोरोना के मरीजों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। बावजूद इसके मृतक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आसपास में गाजीपुर और कड़कड़गी मोड़ शमशान घाट है। लोग वहाँ कोरोना के डर से नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोरोना के शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वैसे यहाँ नॉर्मली बोडिया 5-7-8-9 आती थी। अब जब से ये कोरोना का जो पंगा डाला, लॉकडाउन जब से सबसे पहला चालू हुआ है, तब से डेली 30-35 बोडिया आनी चालू हो रही है। कोरोना हम लेते नहीं हैं। लोगों में दिल्ली में जो बोल रखा है निगम बोध में कोरोना चल रहा है, गाजीपुर में कोरोना चल रहा है, कड़कड़ डूमा में कोरोना चल रहा है,
और लोगों को जो सुनी सुनाई है कि शमशानों में कोरोना चल रहा है, वहाँ पे कोरोना के चक्कर में जो नॉर्मल डेथ वाले भी, वो भी इधर ही भाग के आ रहे हैं कि हम कोरोना, जहाँ कोरोना हो रहा है वहाँ हम क्यों जाएं। बहुत दिक्कत हो रही है भाई, बहुत दिक्कत हो रही है। कोई लोगों को हाथ जोड़ रहा है, कोई पैर जोड़ रहा है, काम कराओ, जगह हो तो काम कराया जाएगा ना, लेकिन फिर भी हम उनका साथ दे रहे हैं जहाँ तक हो रहा है। जमुना किनारे काम करवाए थे, ज़मीन पर करवा रहे हैं, किसी को परेशानी ना हो। लवारिस भी इतने आ रहे हैं जिन पर पैसे नहीं है, बाहर की लेबर है जिनका कोई गुजर गया, पर नई लकड़ी के पैसे नहीं है, सामान के लिए उनको फ्री करा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई चलो। लेकिन जगह भी तो हो, बॉडी पत्नी इतनी एकदम कैसे बढ़ गई हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। अब तक तो 22-23 बॉडी आ ही चुकी है। और ऐसा है कि लोग सुबह यहाँ आते हैं, जैसे सामान वामान लेने आते हैं, फोन पे पता करने आते हैं कि पंडित यहाँ पे जगह है या नहीं है, तो हम उनको पहले ही समझा देते हैं भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओगे तो आपको जगह मिल जाएगी। कहीं ऐसा हो आपने इस तरह को टाइम दे रखा है 2 बजे का 3 बजे का, आप उस टाइम आओ, आपको जगह ना मिले। इस चक्कर में थोड़ी महामारी जल्दी भी के चक्कर में जल्दी आ रहे लोग। उसके बाद में हम उनके हाथ जोड़ देते हैं, भैया गाजीपुर ले जाओ, निगम बोध गार्ड ले जाओ। फिर हम उनको फ़ोन करते हैं गाजीपुर वालों को, निगम बोध गार्ड वो कहते हैं पे जगह है तो बेचारों को वहाँ भेज देते हैं। एम्बुलेंस तो बेचारे आजकल सब एम्बुलेंस में ला रहे हैं, हाथ पर तो कोई ला ही नहीं पा रहा, क्योंकि केजरीवाल जी ने बोल रखे हैं 20 बंदे लाओ। 20 बंदों के चक्कर में लोग आ रहे हैं 10, अब लक्कड़ 10 बंदे कैसे उठाएंगे, कैसे करेंगे, लेबर का काम करेगी, हमें तो गवर्नमेंट का ही समझ नहीं आया वो किस तरीके से अपने रूल फॉलो कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में केमिस्टों की दुकान पर इस समय ज्यादातर दवाई है, लेकिन कोरोना में जिन दवाइयों की ज्यादा डिमांड है वो कम है। केमिस्ट वालों का कहना है कि पिछले से ही दवाइयाँ, जी हाँ पीछे से ही शॉर्टेज हैं। लोग अधिकतर डोलो 650, जिनकोविट, अजीथ्रोमैसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इवमेंटिकिन जैसी दवाइयां मांग रहे हैं। कुछ दुकानों का कहना है कि दवाइयां उपलब्ध नहीं है, पीछे से कम आ रही हैं। दुकान वालों का ये भी कहना है कि पिछले से ही दवाइयों की सप्लाई कम है। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन भी दुकानों पर उपलब्ध नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि हम इसको नहीं रखते हैं। सर ये सारी पीछे से शॉर्टेज चल रही है, पीछे से हमारे सप्लायर्स के पास भी मेडिसिन नहीं है। जैसे आप डॉक्सीसाइक्लिन लगा सकते हो, जिनकोविट हो गया, डोलो 650 mg, ये सब मेडिसिन पीछे से शॉर्ट चल रही हैं। वो ज़्यादा शॉर्टेज है, पीछे से मेडिसिन की सप्लाई हो ही नहीं रही है। मतलब डिमांड ज़्यादा है, और ऊपर से हम आज ऑर्डर लिखवा रहे हैं तो 3 दिन बाद भी हमारा ऑर्डर नहीं आ पा रहा हमारे पास। एक तो सर डोलो 650 बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, डोलो 650 की। जिनकोविट टैबलेट जो कस्टमर आता है जिनकोविट मांगता है, लेकिन हमारे पास नहीं मिलती, वो पीछे से शॉर्ट चल रही है। इस चक्कर में लिम्सी वगैरह, सर लिम्सी भी शॉर्ट ही चल रही है अभी तो फिलहाल पीछे से। नहीं दिक्कत नहीं है, अवेलेबल है, वो डोलो अवेलेबल है, जिंकोविट अवेलेबल है, बाकी रेमडेसिविर तो इंजेक्टेबल है, वो तो नर्सिंग होम की आइटम है, तो हर जगह तो मिलेगी नहीं वो आपको, वो तो हॉस्पिटल के आसपास ही मिलेंगी। एक वो फैबी फ्लू के नाम से जो है काम आ रहा है, वो अभी शॉर्टेज है उसका, वो एक एक दो दो स्ट्रिप ही आ पा रही है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाँ जी वो कम आ रही, कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, और सप्लाई तो अब पहले से जैसा था वैसे ही होती है। फिलहाल तो यही फैबी फ्लू जो कोरोना में काम आ रही है, इसमें इसकी शॉर्टेज है, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। बाकी रेमडेसिविर तो हॉस्पिटल की हैं तो वो तो वहीं मिल पाएंगी। लिम्सी वगैरह सर, लिम्सी अवेलेबल है, जिंकोविट अवेलेबल है, डोलो अवेलेबल है, जो जो यूज़ हो रही है, इवरमेक्टिन उसी को कमी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब दवाई फिर भी आ रही है, वो देने वालों के ऊपर बात है। सब चीज़ें ऐसी बात नहीं है, थोड़ा माल धीरे आ रहा है। नहीं हम तो जो पहले दे रहे हैं रेट वो ही अब दिया है रेट। इस टाइम पे सबका सहयोग करो, ये नहीं कि किसी से पैसा खाओ। पूर्वी दिल्ली में प्रवासी मजदूर और जो मजदूर यहाँ रह गए हैं वे अपने घर नहीं जा पाए हैं, वह खाने को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। रोज कमाने खाने वाले लोगों की लॉकडाउन में काम बंद हो गया था, जिसकी वजह से वे 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। इसको देखते हुए आश बलदेव पार्क RWA प्रधान संजय शर्मा ने नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से गरीब और मजदूरों को सूखा राशन बांटा है, जिस पर संजय शर्मा ने कहा कि खाने की वजह से बहुत दिक्कत होने रही थी, मजदूर वर्ग 2 रोटी के लिए परेशान हो गया था। ढाबे में अधिकतर देखे जा रहे हैं बंद पड़े हैं, इसलिए ये सूखा राशन देकर कुछ लोगों की मदद की गई है। जरूरतमंदों का कहना है कि लॉकडाउन लगने से काम काज बंद हो गया है, बच्चे भूखे हैं और आज राशन मिला है तो घर में बच्चे खा पाएंगे। जितने भी अपने पूर्वी दिल्ली के पुलिस के नाके थे, सब नाकाओं पर हम दिन में 2 बार चाय और नाश्ता पहुंचाते थे, और आदर्श नगर जहांगीरपुरी के पास पाकिस्तान से आए हुए कुछ हिंदू परिवार हैं जिनका भरण पोषण का कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, उनके वहाँ भी हमने बाकायदा वीकली जाकर उनको दिया।
देखिए मजदूर तो वैसे शुरू से ही परेशान रहते हैं, लेकिन इस महामारी बीमारी को देखते हुए वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पहले उन्हें होता था कि अपना सुबह बनाया, कमाने निकल गए, शाम को जो लाए उसका बना लिया, खा लिया। लेकिन अभी इस सभी बीमारी की वजह से चारों तरफ काम बंद हो चुके हैं। इधर मजदूरों के घर में काम करने वाली मेडों को भी सबने अधिकतर निकाल दिया है, प्लस जो मकाने बन रहे थे उन सबको भी मजदूरों को निकाल दिया है, तो सबको बहुत प्रॉब्लम दिक्कतें हो रही हैं। बहुत से लोग हैं जिनको जैसे ही पता चला लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा था तो वो जाने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन अभी बहुत से हैं दिल्ली में ऐसे जो परेशान घूम रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। लोग बहुत परेशान थे लॉकडाउन में और अभी भी परेशानी वैसे ही बरकरार है और उसी तरीके से लोग परेशान हैं। तो हमने जितना बना हमसे, क्योंकि देखो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो देने वाला तो दाता है, हम कोई देने वाले नहीं हैं, फिर भी सब मिलजुल के कर रहे हैं। हाँ जी, जिनकी हमें सहायता मिली है श्री रामचंद्र की तरफ से, उनके धन्यवाद करता हूँ। और जब से लॉकडाउन लगा इतनी परेशानी गरीब के लिए हो रही है। सर बहुत परेशानी होती है, दिन भर कमाते हैं, शाम के खाते हैं, मजदूर आदमी हैं सर, काम सारे बंद हो जाएंगे, हम लोग खाएंगे क्या, सब लोग ऐसे ही करेंगे। तो सर ऐसी पिछली बार परेशानी उठाई थी और अब भी परेशानी उठाने के लिए वही चक्कर हो रहे सर हैं, बाहर से कोई खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, हम लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम के खाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भैया, बहुत ज़्यादा काम भी करते थे वो भी हटा दिया कोरोना की वजह से, बहुत दिक्कत हो रही है। घर में खाली बैठे, बिल्कुल घर में ना पैसे हैं ना खाने को है। हाँ थोड़ी सहायता मिली है, राशन मिला है भैया, अब भी बहुत परेशान हो रहे थे घर पर राशन के लिए कि घर में कुछ नहीं है, बच्चे व्रत चल रहे हैं भूखे प्यास, अब हमने व्रत रखा हुआ है पूरा। हमें बहुत परेशानी है, हम मजदूरी का क्या खाते थे, अब हमारे ना घर में कोई कमाने वाला नहीं, हमारा तो आज खाना भी नहीं बना है, ले जाएंगे बनाएंगे। हाँ राशन बना बहुत थोड़ा बहुत, तो ले जाएंगे बनाएंगे खाएंगे, मदद मिल गई है बिल्कुल, कुछ बहुत परेशान है ना, तो सारे दिन कमाते थे, शाम को बच्चों को खिलाते थे। बढ़ते कोरोना की वजह से लोगों को घर में तो बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों को घरों में पीने का पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। गीता कॉलोनी के 11 ब्लॉक के लोगों का कहना है कि पिछले महीने से पीने का पानी गंदा आ रहा है, जिसकी कई बार शिकायत की जा चुकी। इसके अलावा विधायक एस के बग्गा को भी कई बार बोला जा चुका है, लेकिन आज भी घरों में पीने का पानी गंदा ही आ रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। आज हम 2 महीने हो गए हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, पानी गंदा भी आ रहा है, और हम अधिकारियों को जाके बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि हम बग्गा साहब को भी कई बार शिकायत करी, अधिकारी कहते हैं कि बग्गा साहब क्या कर लेंगे, यही जवाब मिलता है हमारे को, और कोई सुधार नहीं हो रहा है। 1-2 महीने हो गए हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और डायरिया हो रहा है और लूज मोशन हो रहे हैं, लोग बहुत ही परेशान हैं। भाई साहब हमें तो बहुत दुख हो रहा है कि केजरीवाल जी ने हमारे को, जब ये चुनाव हुआ था तो उन्होंने बोला था कि आपको स्वच्छ और शीतल जल 24 घंटे आपको फ्री उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ये 1.5 महीने से ये पानी की इतनी दिक्कत हो रही है, गंदा पानी आ रहा है, आप देखो ये पानी पी नहीं सकता, इससे खुशबू इतनी बदबू आ रही है, मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि इतनी गंदा बदबू आ रही है कि इससे तो हाथ धोने भी जो है ना बहुत मुश्किल है। कोरोना के टाइम में इतनी बीमारी है और एक बीमारी ये पानी की वैसे आ रही है, लोग 3-3, 4-4 कैन रोज बाजार से खरीद के अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं। पूरे गीता कॉलोनी वार्ड में पानी की बहुत से हर जगह पे सीवर की समस्या, पानी की ये 11 ब्लॉक है, 11 यहाँ पे बहुत समस्या है पानी की, लोग जो है ना बहुत तराई तराई हो रहे हैं इस टाइम, बीमारी इतनी है, डायरिया किसी को कुछ, कोरोना काल के टाइम में गवर्नमेंट को मदद देनी चाहिए कि इस तरह की कि भाई आप स्वच्छ पानी देना चाहिए। पिछले 2 महीने से पानी इतना गंदा आ रहा है कि केजरीवाल भाई तो कहते हैं कि पानी साफ देंगे, फ्री देंगे, ये देंगे, बग्गा जी कोई भी नहीं आते जी यहाँ पे, कभी भी नहीं आते यहाँ पे। अब ये पानी पीने लायक है आप बताइए, बाहर से ला ला के पी रहे हैं तो क्या फ़ायदा इन केजरीवाल को जी को वोट देने के जिताने का, बिल्कुल गंदा पानी है, एकदम घटिया पानी दे रहे हैं ये। लॉकडाउन में वैक्सीनेशन की रफ्तार को धीमा कर दिया है। बीते दिन केंद्र पर मुश्किल से ही लोगों को टीका लगवाने के लिए पहुंचे, जो लोग पहुंचे उन्हें पुलिस की सख्ती का भी सामना करना पड़ा है। कई टीका केंद्रों पर तो प्रशासन को फोन करके लोगों को टीके के लिए बुलाना पड़ा। एक अधिकारी के मुताबिक सुबह बहुत मुश्किल से ही लोगों को केंद्र पर पहुंचना दिया गया, उन्होंने इस बात का डर था कि कहीं पुलिस रास्ते में ना रोक ले। दोपहर के बाद लोग टीका लगवाने पहुंचे। शाहदरा प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, पहले वीकेंड कर्फ्यू की वजह से लोग टीका के लिए पहुंच रहे थे, अब लॉकडाउन के कारण से लोग बड़ी संख्या में नहीं आ पा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन में केंद्र पर जमकर
टीका लगवा सकते हैं, लेकिन लोगों में लॉकडाउन का डर है कि पुलिस बीच में ना रोके और सवाल ना करे, इसलिए लोग घरों से कम निकल रहे हैं। हमसे कहा कि अभी नहीं लगवाओ, आप बाद में लगवाना। कह रहे हैं आप के कोविड का कोई इंसान है घर में? मैंने कहा जी, तो आज नहीं लगेगी। पहले तो बोला कि आज नहीं लगेगी, मैंने कहा मेरा तो नॉर्मल आया हुआ है। मदर क्या लगी है? मैं पहले लग चुकी है। कोई दिक्कत नहीं? कितनी भीड़ है अंदर लगभग? कुछ खास भीड़ नहीं है। आज कर्फ्यू था, कर्फ्यू में आने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग बाग डरा है, हमारे गली में सब लोग कहते हैं कि इंजेक्शन मत लगवाओ, कोई खत्म होगा, बड़ा बूढ़ा कोई खत्म हो जाए तो सब लोग कहते हैं कि खत्म हो गया भाई, इंजेक्शन मत लगवाओ, डर है इससे। लोग ये डर रहे हैं, लेकिन बेकार है लोगों का डरना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लोग वैसे ही डर रहे हैं कि बस कि लगने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर लगेंगे तो चेन जब ही टूटेगी, ऐसे तो चेन टूटने वाली नहीं है कोरोना। पूर्व दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद भी दिखाई दे रही है। जगह जगह जांच की जा रही है, लोगों को देखा जा रहा है कि मास्क लगाए हैं या ना लगाए हैं, बेवजह जो लोग जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शाहदरा जिले के DCP आर साथिया सुंदरम ने गीता कॉलोनी शमशान घाट पिकेट का जायजा लिया, जहाँ गांधीनगर के ACP मौजूद थे। गांधीनगर थाने के SHO, गीता कॉलोनी थाने के एडिशनल SHO, तमाम दिल्ली पुलिस का स्टाफ मौजूद रहे और गाड़ी चेकिंग करते नजर आए। जो नियम कोरोना के नहीं अपना रहा था उन पर कार्रवाई भी की गई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 9 जून 2021 तक गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है। इसी पर CCN की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने बात की ईस्ट MCD के मेयर निर्मल जैन से, जरा आप भी सुनिए। कोरोना जैसी महामारी चल रही है और ऐसे में अब अचानक गर्मियों की छुट्टी का ऐलान हो गया है, स्कूल की छुट्टी का ऐलान दिल्ली सरकार ने किया है, तो वहीं अब निगम जो है, जो निगम के स्कूलों में टीचर कार्यरत थे कॉन्ट्रैक्चुअल, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी समय से पहले खत्म हो चुका है। इसकी क्या कुछ वजह है, इसकी जानकारी लेते हैं। मेयर साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करके, क्योंकि इनका एक बार कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ था तो 10 मई तक के लिए उसे रिन्यू किया गया था और अब अचानक उसे खत्म करने की बात आ रही है, तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, हम टीचर्स को, जो ये कॉन्ट्रैक्टेड टीचर्स हैं, इनको कभी भी हम जो है, जो हमारे गर्मियों की जो समर हमारे हॉलीडे होते हैं उसकी हम कभी भी इनको नहीं लगाते। इनका हमेशा 10 मई तक इनका वो रहता है और 10 मई के बाद जब जून एंड में जब इनका ख़त्म होने को, छुट्टियां ख़त्म होने को होती हैं, जब इनको दोबारा इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिन्यू करते हैं। इस बार चूँकि दिल्ली सरकार ने कल ही से छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, तो नेचुरल है कि हमें इनको उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 मई से पहले ही इनका कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इसमें एक बात ये है कि जो इनकी पहले जून एंड तक इनका वो रहता था, अब 9 जून तक है, तो मैं समझता नहीं कि किसी को, तो अगर 20 दिन पहले ख़त्म हुआ है तो 20 दिन पहले इनको ज्वाइन नहीं हो जाएगी। या किसी भी स्टाफ को नहीं हटाया है, जो जैसा डिपार्टमेंट का ऑर्डर है पूरे उसमें हम सब जो है टीचर्स, हमारा स्टाफ जो है वो सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टेड टीचर्स भी उसी तरह से ऑनलाइन क्लास लेते हैं। जब छुट्टियां हो गई हैं, जब समर वैकेशन हो गया है, तो इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स को अभी हमने वो ख़त्म करना पड़ा, चूँकि ऑनलाइन क्लासें अब नहीं होंगी और वो जैसे ही दोबारा स्कूल खुलेंगे 9 जून के बाद तुरंत हम उसको, उनको ज्वाइन करेंगे। 9 जून तक भी स्कूल खुलने वाली सिचुएशन में नहीं आते, ऐसे में क्या होगा उन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का? नहीं नहीं, 9 जून तक ऐसा होता है कि जब तक छुट्टियां डिक्लेयर रहेंगी तब तक हम इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाएंगे, शुरू नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होकर के और जैसे ही और स्कूलों में हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, इनका हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देंगे। जो मेयर साहब हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जब तक के लिए ये छुट्टियां डिक्लेयर हैं तब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म किया गया है, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलते हैं उनकी वापसी भी हो जाएगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप के अंत CCN। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन 25 अप्रैल को है। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। सिख नेता बलबीर सिंह का कहना है कि इस महामारी में इलेक्शन कराना बहुत खतरनाक है, इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा देना चाहिए। मैं समझता हूं इस समय ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें ये चुनाव से ज़्यादा अपने प्रिय जो हैं लोग हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये किसी चपेट में कोई आ जाता है, एक भी आदमी हमारा उसके चपेट में आ जाता है, तो हम कहीं के अपना मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये चुनाव आगे हो जाता है और कोविड कम हो जाता है,
तो उसके बाद चुनाव होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, होना ऐसे ही होना चाहिए। कोविड के इस समय इस भयानक रूप जो लिया हुआ है कोविड ने, इस समय थोड़ा चुनाव आगे जाते तो कोई ऐसी बात नहीं। देखिए ये जो लॉकडाउन किया है 26 तारीख तक, मुझे उम्मीद है कि 26 तक काफ़ी कुछ ठीक होगा। ईश्वर पे निर्भर हैं हम लोग, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है और हम बर्दाश्त करेंगे सच्चे पातशाह से कि ये कोविड की बीमारी हमारे बीच में से जाए, क्योंकि बहुत से अपने लोग हम खो चुके हैं और आगे हम खोना नहीं चाहते हैं, और यही अरदास करेंगे। और मुझे लगता है कि ये 26 के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और ये इलेक्शन समय पर हो जाएगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, लेकिन जहाँ तक कन्वेंसिंग की बात है, घर घर जाने की, हम डोर टू डोर जा रहे थे, हमने उसको भी रोक दिया है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने जो हमारे प्रिय हमारे साथ चल रहे हैं वो सबसे पहले हैं, चुनाव उसके बाद है। चुनाव कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा कोई एक साथी किसी को अगर तकलीफ होती है तो वो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।